आप अपने लुक्स को लेकर बहुत डिप्रेशन में रहते हो और ऐसी लुक आपको स्ट्रेस में ले जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए एक न्यू माइलस्टोन होने वाली है। स्किन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। नंबर वन, आजकल हर बंदे के मुंह में यही सुनोगे कि स्किन बहुत ऑयली रहती है और फेस टैनिंग हो रहा है। कुछ लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं मगर रिजल्ट्स ज़ीरो निकलते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रिसर्च और नॉलेज की कमी। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब स्किन ग्लैंड्स ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं तो स्किन के मॉइस्चर को सील कर देते हैं, इसी वजह से पिम्पल्स भी फूटता है। लोग जब बाहर जाते हैं और डस्ट फेस पर पड़ती है तो नाक पर या फिर गालों पर बहुत ख़ारिश होती है। तो हमने स्किन के ऑयल को कंट्रोल करना है, ना के पिंपल्स को, तो पिंपल ऑटोमेटिकली नहीं निकलेंगे। ज़्यादातर तो नाक पर ख़ारिश होती है, तो सिर्फ एक रेमेडी जो स्किन के ऑयल को कंट्रोल करेगी, ऑयल को अपने अंदर जज्ब करेगी, तो पिंपल्स नहीं आएंगे। आई मीन के पिंपल्स को छोड़ो, बस ऑयल को कंट्रोल करो। तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये स्किन से 100% ऑयल को ख़त्म करके फेस के बम्प्स को ठीक करेगी और पिंपल्स को बिल्कुल ख़त्म करेगी। आपने ग्रीन क्ले लेनी है जो कि आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगी। इसमें 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 टीस्पून ग्लाइसरीन मिक्स करके ड्राई होने तक फेस पर लगाना है और वॉश करें, तो एक हफ्ते में ऑयल और पिंपल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपने इसको हफ्ते में 2 या 3 बार लाजमी यूज करना है ताकि फेस पर ऑयल और पिंपल्स कभी ना निकलें। नंबर 2, 80% स्किन प्रॉब्लम्स हमें मैदे या डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने की वजह से होती हैं, क्योंकि मैदे में खराबी की वजह से हीट बनती है जिस वजह से हमारे फेस पर रेडनेस आती है, डलनेस और फेस पर रौनक नहीं रहती। ये बैक्टीरिया या फिर वीक इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। इस वजह से स्किन और फेस पर ड्राइनेस, डलनेस रहती है और मैदे में खराबी की वजह से भी विटामिन सी की कमी होती है। तो इसके लिए आपने पानी के 1 गिलास को थोड़ा सा गर्म करके इसमें 1/2 लेमन डालना है और खाना खाने से पहले इसे पीना है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं के 30 मिनट्स की वीडियो ड्यूरेशन भी कम होगी। तो आपने ये पिक्चर देख के इसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा लगाना है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। नंबर 3, कल मेरा दोस्त मुझे मिला तो उसके फेस को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो पहले तो बहुत वाइट था मगर टैन की वजह से उसका फेस बहुत काला दिख रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी उसे वो ट्रिक बताया जो टैनिंग के लिए मैं पर्सनली यूज़ करता था। अगर आपने भी वो ट्रिक यूज़ करना है और जानना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपने जल्दी जल्दी 1 टीस्पून बेसन लेना है, इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा शहद डाल के अच्छी तरह फेस पर लगाना है। 15 मिनट्स बाद वॉश कर लें। पहली बार में ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मगर आपने इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लाजमी यूज़ करना है ताकि फेस ज़्यादा से ज़्यादा वाइट और क्लियर दिखे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नेचुरली वाइट होते हैं मगर बाद में उनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये जानने के लिए नंबर 4, लोग कमेंट्स में इस बात की शिकायत करते हैं कि पहले तो मैं वाइट था मगर अब ब्लैक हो चुका हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आपने खुद अपनी स्किन को बर्बाद किया है, क्योंकि कोई चीज़ हो उसे सफाई की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नई कार को अगर साफ ना किया जाए तो डस्ट न्यू कार को भी जल्द पुराना कर देती है। इसी तरह अगर आप स्किन की केयर नहीं कर सकते तो ये भी ना कहें कि मेरा फेस ब्लैक हो चुका है। स्किन की अच्छी पॉलिश और केयर के लिए आपने ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देखनी है। और जिनकी स्किन वाइट से ब्लैक हो चुकी है तो वो दही में हल्दी मिलाकर फेस पर लगाएं तो दोबारा स्किन वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 5, यंग एज में बहुत सारे लोग बार बार शीशा देखते हैं और चेक करते हैं कि हम कितने हैंडसम हैं, हम में कितनी अट्रैक्शन है। कुछ लोग तो अपनी लुक्स में मुतमिन रहते हैं मगर कुछ लोग अपने लिप्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि लिप्स ब्लैक और ड्राई दिखते हैं। कुछ लोगों के लिप्स तो वाइट भी दिखते हैं क्योंकि ऐसे वाइट लिप्स बीमार दिखाते हैं, क्योंकि लिप्स हमारा ऐसा फेशियल फीचर है जो हमारी हेल्थ को भी डिस्क्राइब करता है। क्योंकि अगर हमारे लिप्स रेड और मॉइस्चराइज्ड रहेंगे
तो हमारी हेल्थ भी दूसरे लोगों को अच्छी लगेगी। तो हैंडसम, अट्रैक्टिव एंड हेल्दी दिखने के लिए आपने अपने होंठों को सॉफ्ट और हाइड्रेट लाजमी रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी भी बहुत पीते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, पर फिर भी हमारे लिप्स ड्राई और फ्लैकी रहते हैं, इसकी वजह क्या है? और आपके माइंड में ये सवाल भी होगा कि अब कौन सी वो चीज़ है जो लिप्स को चमकीला और रेड बना सकती है? तो आंसर ये है कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी खूबियाँ सिर्फ आलमंड ऑयल में एग्जिस्ट करती हैं। तो सुनो, दिन में 3 बार अगर आप आलमंड ऑयल लिप्स पर लगाते रहे तो लिप्स बहुत चमकीले दिखेंगे। तरीका ये है कि पहले लिप्स को धोकर ड्राई करें और बाद में थोड़ा सा आलमंड ऑयल अपने लिप्स पर लगाएं। तो आलमंड ऑयल में मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स आपके लिप्स को हाइड्रेटेड और रेड दिखाएंगे और साथ ही आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट दिखेंगे। कुछ ऐसे लोग भी कमेंट्स करते हैं कि वीडियो देखकर उस पर एक्ट अपन नहीं करते और कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जो सिर्फ एक बार रेमेडी को यूज करके कहते हैं कि हमें तो फायदा नहीं हुआ। तो सुनो, नेचुरल रेमेडीज आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं क्योंकि ये नेचुरल होती हैं, इनमें कोई फास्ट केमिकल्स और हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, इसलिए इनका असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, जो रेमेडी मैं बताऊं आपने पहले गौर से सुनना है, इसको समझना है, रिसर्च करनी है, उसके बाद इसे यूज करना है। अगर आप लगातार किसी भी रेमेडी को 1 हफ्ता यूज करते हो तो फिर ही इसके इफेक्ट्स, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार नेचुरली अट्रैक्टिव ही ठीक है, बाद में अट्रैक्टिव होने का क्या मकसद? तो भाई, हर बंदे को अपने अपने हिसाब से चलना होता है। कुछ लोग तो गर्मियों में भी नहीं नहाते तो सर्दियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कुछ लोग गर्मियों में बहुत नहाते हैं और सर्दियों में भी नहाते हैं, और वो ही अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, हैंडसम और गुड लुकिंग मैन होते हैं। और जो बंदा नेगेटिव कमेंट्स करता है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाला बंदा नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव ही डिस्क्राइब करता है। तो मैं जो भी ट्रिक्स बताता हूँ, जो भी एक्सरसाइजेस और रेमेडीज बताता हूँ, ये मैं रिसर्च करके फिर बताता हूँ। तो आपने इस पर बिलीव करना है और कमेंट, जो बैड कमेंट्स करते हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट वर्जन में, गुड लुकिंग वर्जन में देखने के लिए आपने मेरे चैनल BFH@Roy को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपने इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।